रैखिक आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन। रैखिक आवर्धन या लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है कि दर्पण में बने प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रैखिक आवर्धन कहते हैं। अर्थात रैखिक आवर्धन का मतलब होता है प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात। रैखिक आवर्धन या लीनियर मैग्निफिकेशन को एम से व्यक्त करते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई जो भी होगी उसे हम आई से व्यक्त करेंगे और वस्तु की लंबाई को ओ से। तो एम इज इक्वल टू आई अपान ओ, ये हमारा होता है रैखिक आवर्धन, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात रैखिक आवर्धन होता है। तो आइए हम अवतल दर्पण में एक वस्तु लेते हैं, उसका प्रतिबिंब ज्ञात करते हैं और फिर हम वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई का अनुपात भी निकालेंगे। देखिए ये हमारा एमपीएन एक अवतल गोली दर्पण है और पी इसका ध्रुव है और ये यहाँ ये इसका परावर्तक तल है जो कि अंदर की ओर दबा हुआ और चिकना है और पीछे पॉलिश की हुई है, मतलब ये अवतल गोली दर्पण है। पी इसका ध्रुव है और ये पी के जो है इसकी मुख्य अक्ष है और एफ इसका फोकस और सी वक्रता केंद्र है। हमें तो मेनली ये करना है कि एक प्रतिबिंब और एक वस्तु, तो पहले वस्तु होगी तभी उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो हम एक वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में अवतल दर्पण के सम्मुख रख देते हैं और मान लीजिए हमारी वस्तु ए बी है जो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखी है। अब हम इसका प्रतिबिंब ज्ञात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित कीजिए और वह परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजर जाएगी अवतल दर्पण में। तो ये परावर्तित हुई और फोकस से होकर गुजर गई। एक अन्य किरण वक्रता केंद्र की दिशा से आपतित हुई, ये इस तरह से, और दर्पण से परावर्तन के पश्चात ये उसी मार्ग पर लौट जाएगी। ये देखिए, आप एक प्रकाश की किरण को इस तरह से ध्रुव पर भी आपतित कर सकते हैं वस्तु से और ये आपकी इस तरह से ये वस्तु की जो नोक है और प्रतिबिंब की नोक को मिलाने वाली ये प्रकाश की किरण होगी। तो क्या किया हमने, एक मुख्य अक्ष के समांतर फोकस से, एक वक्रता केंद्र की दिशा से पुनः उसी दिशा में, और एक प्रकाश की किरण ये ध्रुव की तरफ आई है जो वस्तु की नोक से आई और इसने प्रतिबिंब की नोक को मिला दिया। अब हमें बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि ये भी हमारी वस्तु है और ये आर एस हमारा प्रतिबिंब है। तो ए बी वस्तु और आर एस प्रतिबिंब, और हमें प्रतिबिंब की लंबाई मतलब आर एस या एस आर बटे वस्तु की लंबाई ए बी का अनुपात निकालना है। तो बच्चों देखिए, पी से दो समरूप त्रिभुज बन रहे हैं, ये प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई को मिलाते हुए पी से दो समरूप त्रिभुज बन रहे हैं। चूंकि प्रतिबिंब की लंबाई ऊपर है इसलिए जब आप त्रिभुज बनाएं तब ये प्रतिबिंब वाला पहले बोल दीजिएगा तो थोड़ी सुविधा रहेगी। तो त्रिभुज एस आर पी या आर एस पी में और त्रिभुज ए बी पी, इनमें देखिए दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो एस आर पी और ए बी पी समरूप हैं। तो हम कह सकते हैं कि आर एस या एस आर लंब बटे लंब मतलब बटे ए बी परपेंडिकुलर है, ये संगत भुजाएं आनुपातिक होती है। तो एस आर बटे ए बी या आर एस बटे ए बी बोल सकते हैं इसको, और आधार बटे आधार, तो ये यहां से पी से बन रहा है तो ये हो जाएगा पी एस, और इसके लिए आधार बोलिए ये हो जाएगा पी बी। तो ये हमारा हो गया एस आर बटे ए बी लंब बटे लंब बराबर पी एस बटे पी बी आधार बटे आधार। ये देखिए इस त्रिभुज में, ये त्रिभुज एस आर पी में, देखिए ये एस आर पी में लंब भुजा एस आर या आर एस और इस आधार भुजा है पी एस, इसमें देखिए ए बी पी में लंब भुजा ए बी और आधार भुजा है पी बी। तो लंब भुजा बटे लंब भुजा, तो ए बी बटे एस आर या आर एस, और ये हो गया आपका पी एस बटे पी बी। अब चिन्ह परिपाटी सहित हम मान रखेंगे तो एस आर की वैल्यू बताइए कितनी है। एस आर है क्या, एस आर है प्रतिबिंब की लंबाई, ये एस आर है प्रतिबिंब की लंबाई।
तो बच्चों कुछ चिन्ह परिपाटी की छोटी बातें आप समझ लीजिए लेकिन बड़े काम की है कि जब आप लंबाई को ऐसे लंबवत नापें मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ तो उसको आप प्लस कीजिएगा, वो धन होगी। जैसे जैसे आपको नापना है BA की लंबाई तो ये धनात्मक होगी। अब BA क्या है या AB क्या है, ये वस्तु की लंबाई, तो इसको हम O से व्यक्त करेंगे तो ये O हो गया। ऐसे ही SR को देखिए, ये मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ लंबवत है तो ये हमारा हो जाएगा प्रतिबिंब की लंबाई, और प्रतिबिंब की लंबाई को हम व्यक्त करेंगे I से, और ये मुख्य अक्ष के नीचे हो तो माइनस, मतलब मुख्य अक्ष के ऊपर लंबवत प्लस मुख्य अक्ष के नीचे लंबवत माइनस। तो इस हिसाब से SR का मान बताइए कितना हुआ, SR का मान हुआ माइनस आई, ये इधर नीचे माइनस आई, और AB का मान ये यहां से ऊपर, तो ये हो गया O माइनस आई अपान O। अब लिखा है PS, ये PS तो ध्रुव से ये प्रतिबिंब की दूरी है PS, और चूंकि लेफ्ट की तरफ है मतलब आपतित किरणों के विपरीत है, सारी आपतित किरण है ये इस तरफ से आ रही है, जो वस्तु से आ रही है उसके विपरीत है, तो ये माइनस होगा। तो PS हमारा हो गया माइनस V क्योंकि प्रतिबिंब की दूरी है, तो PS की जगह हो गया माइनस V। और अगला हमारा है PB, तो P से लेकर B तक की दूरी तो ये वस्तु की दूरी है, और चूंकि ये भी इस तरफ है आपतित किरणों के विपरीत तो ये हो गया माइनस U, तो ये हो गया माइनस V अपान माइनस U। एक माइनस से एक माइनस कैंसिल कर दीजिए तो I अपान O हो जाएगा, I अपान O, और ये हो जाएगा माइनस V अपान U। ये इक्वेशन नंबर आपकी 2 हो गई। हमने इक्वेशन नंबर 1 देखी थी M इजिकल टू I अपान O, मतलब रेखिक आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, तो रेखिक आवर्धन को M से व्यक्त किया था, प्रतिबिंब की लंबाई I, वस्तु की लंबाई O, M इज इक्वल टू था I अपान O, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी। और यहां हमारा I अपान O आया है माइनस V अपान U के इक्वल, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। तो अब देखिए एक और दो से देख लीजिए, ये हो जाएगा M इज इक्वल टू, ये I अपान O दोनों में तो तुलना करेंगे तो फिर ये हो जाएगा M इज इक्वल टू माइनस V अपान U। ये हमारे रेखिक आवर्धन का सूत्र है, M इज इक्वल टू माइनस V अपान U, जहां ये V प्रतिबिंब की दूरी है और U वस्तु की दूरी है, मतलब हमने प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई को बदल लिया प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी हमारी हो गई PS और वस्तु की दूरी हो गई हमारी PB, इनका जो रेशो होगा वो कहलाएगा हमारा रेखिक आवर्धन या लीनियर मैग्निफिकेशन। और इससे हम पता कर पाएंगे कि ये प्रतिबिंब जो है ये वस्तु की तुलना में कितने गुना बड़ा या छोटा है। तो बच्चों हमने आज ये देखा कि लीनियर मैग्निफिकेशन या रेखिक आवर्धन क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखिक आवर्धन कहते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई को हम व्यक्त करते हैं I से, वस्तु की लंबाई को O से, तो रेखिक आवर्धन का फार्मूला हमारा है M इजिकल टू I अपान O। अब ये हमारी प्रतिबिंब की लंबाई है SR, और ये हमारी वस्तु की लंबाई है AB, और ये है हमारा I, और ये है हमारा O। अब हमने दोनों त्रिभुज ले लिए, त्रिभुज कौन सा लिया पहले आपने S, ये SRP या यूं भी कह सकते थे RSP, ये ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल ये हो गया हमारा ABP, ये देख लीजिए आप, ये हमारे ट्रायंगल समरूप है। तो लंब भुजा SR बटे लंब भुजा AB, और आधार भुजा PS बटे आधार भुजा PB। अब SR जो है वो यहां से नीचे की तरफ, प्रतिबिंब की लंबाई माइनस आई, ए बी वस्तु की लंबाई ये ऊपर की तरफ ओ, फिर पी एस प्रतिबिंब की दूरी माइनस वी, और अंत में पी बी वस्तु की दूरी माइनस वी। तो ये आपने लिख लिया, एक माइनस एक माइनस कैंसिल हुआ, आई अपान ओ इजिकल टू माइनस वी अपान यू। इक्वेशन 1 और 2 की जब आप तुलना करेंगे तो ये आएगा एम इजिकल टू माइनस वी अपान यू। तो इस तरह से, और ये माइनस साइन ये बताएगा आपको कि ये प्रतिबिंब हमारा उल्टा बन रहा है। तो बच्चों इस तरह से हमें ये रेखिक आवर्धन आसानी से ज्ञात हम कर सकते हैं, और इसके लिए आप अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे तो ज़्यादा आपको सुविधाजनक इसलिए रहेगा क्योंकि ये दर्पण सूत्र का ही चित्र है, तो ये आपको वहाँ भी काम आ सकेगा। थैंक यू।